किताब में मुंह डाल के बैठी है। चुगली को देखो, एक दिन में 4 रील बनाती है। दादी पर मैं पुश्तानी जेवर बेच के मैंने तेरे लिए आईफोन लिया था। क्या बुराई है 9 to 5 की जॉब में? मुझसे नहीं होता ये रील्स में मोए मोए, मुझको नहीं बनाने गेट रेडी विद मी। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 8:30 बजे उठूँ और अपना जल्दी से रेडी होके भाग के 9 बजे ऑफिस पहुँचूँ, पूरे दिन बॉस की गालियाँ सुनूँ और ठीक 5 बजे छूट जाऊँ और घर आते खाते आपके लिए समोसा चाट लेके आऊँ। जॉब तो गवार भी कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर बनेगी तो क्या पता बिग बॉस वाले बुला ले। और अगर मेरी पोती कोई ऐसी 2 कौड़ी की नौकरी करेगी तो क्या जवाब दूंगी मैं समाज को? दादी जब मैं पैदा हुई थी समाज नहीं आया था एक ढोंगा लेके टन 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 करते कि अनंत्या पैदा हो गई है। समाज ने थोड़ी ना मेरी सुसु पोटी धोई थी। जानती हूँ मेरे को 2 लाख रुपए प्रमोशन के नहीं मिलेंगे, बट मैं 2000 के भी इंक्रीमेंट में खुश हूँ दादी। बस बेटा बस, तूने मेरी आंखें ही खोल दी। पूजा सुन, वो मेरा आईफोन बेच के इसके लिए ना कॉलेज में एडमिशन करा देना ताकि इसे अच्छी नौकरी मिले बड़े होके। दादी कट 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 बन गई। कितनी अच्छी बनी है रील, ये देख। हमें भी तो दिखाओ, मेन एक्टर तो हम ही थे। अच्छा रील बन रही थी, कितनी नौटंकी करते हो तुम लोग। और दादी हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो अपनी नातिन चुगली का नाम मत लिया करो। हाँ दादी इट हर्ट्स। काहे नहीं लेंगे, नातिन है वो हमारी। अगली बार ना ये वाली, उसमें दादी को नहीं लेंगे, बड़ी एक्टिंग करती है। अरे ये पानी भी खत्म हो गया। अरे बब्बू, निशा, अंकुर, अरे पूजा, एक ग्लास पानी नहीं रख सकते हो? किसी को भी फूटी कौड़ी नहीं देके जाऊंगी। पानी लाके नहीं दिया किसी ने, हम लाके देते हैं। माता जी दूध के साथ दवाई लेती हैं, ये भी नहीं पता है। नहीं मैं लेके आती हूँ दूध। अरे तुम क्यों लाओगी, दूध का कर्ज तो मुझे उतारना है, मैं लेके आता हूँ। वैसे तो दादी की कोई सेवा नहीं करता, पर आज दादी ने गरीबों को पैसे अपनी बांटने की क्या बात कर दी, सब लग पड़े सेवा पे। अंकुर को तो पता ही नहीं है मैं लेके आती हूँ दूध। अरे ये लोग अपनी लड़ाई में लगे रहेंगे, 2 साल में आएगा दूध, हम खुद ही लेके आते हैं हमारा खुद का दूध। दादी अरे रुको, सासू माँ तो निकल ली। अगर ये चली गई तो परंपरा के हिसाब से तो हमारी बड़ी लड़कियां उनको सब कुछ मिलेगा। नहीं नहीं भाभी, हमारी भी तो एक लड़की है, छोटी है तो क्या, वो लाडली थी दादी की। इनका क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो अभी शादी भी थी। ये दादी का हमेशा का है, अभी वापस उठ जाएंगी और कहेंगी कि अभी हम जिंदा है। हर बात की तरह इनका नाटक है। हम थोड़ा बेहोश क्या हुए, बंटवारा चालू कर दिया। और हाँ मेरी बेटी की बेटी आ रही है अपना हेडबैंड लेने, वो ढूंढ के रख दो, ढूंढ देना। हाँ बेटा ये हमारा झुमका उठा देना जरा। हाँ ये दादी का पुश्तैनी कंगन कितना सॉलिड है ना। यार दीदी ये झुमका देखो, ऐसा डिजाइन तो आजकल बनता भी नहीं है, पर लाजपत नगर में मैंने ऐसा कुछ देखा था, वो ही ले लेंगे। अरे नहीं ये प्योर गोल्ड है, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी, दादी से पूछती हूँ। दादी ये नानी। अरे मेरी प्यारी बेबी, अच्छा हुआ चुगली तू आ गई, तेरा हेडबैंड हमने ढूंढवा लिया है। अरे लाओ रे ये ले। थैंक यू मामी। दादी ये झुमके और कंगन बहुत सुंदर है, मैं रख लू। ये झुमके हम तुम्हें देंगे, ये हमने अपनी चुगली बेटी के लिए बचाए है। तुम अभी ट्यूशन जा रही हो ना, तो ट्यूशन से आके ले लेना। चल ठीक है यार जान ले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को डस्टबिन में फेंकना पड़े, बट ये झुमका और ये कंगन चुगली के पास तो जाने नहीं दूंगी। ये सब तो ठीक है दादी, पर ये तो बताओ कि आपकी ये पेटी में रहता क्या है? इसमें मेरे पुश्तैनी जेवर है। देखो गोल मोल बातें मैं करती नहीं, जो मेरी सेवा करेगा उसे मेरी पुश्तैनी पेटी मिलेगी। नानी मैं जा रही हूँ। क्यों चुगली, अब सेवा नहीं करनी? जब बिना सेवा के मेवा मिल जाता है तो सेवा हम क्यों करें, सेवा तुम करो। बाय नानी, लव यू, बाय।
अरे हम कौन सा चोरी वोरी कर लिया, बस मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि इस पेटी के अंदर क्या है यार, पर इसमें तो ताला लगा है। देख चाबी यहीं कहीं होगी। ये क्या है? ये तो दादी की विश लिस्ट है। चेक कर क्या लिखा है? स्विट्जरलैंड में पल्लू लहरा के रख दे तू मोहे घेरुआ करना। बताओ दूसरों की दादियों की विश लिस्ट में होती है कि चार धाम यात्रा करना, हरिद्वार जाना, और हमारी दादी की विश लिस्ट में कि स्विट्जरलैंड जा, साड़ी पहन के पल्लू लहरा। नेक्स्ट, गोवा में बिकनी पहन के शूट करना। ये दादी ने अपनी विश लिस्ट लिख रखी है या आपकी? और तीसरी है खुल के जीना। दीदी देखो लगता है हमें दादी की विश लिस्ट ना पूरी करनी चाहिए। दीदी आप लैपटॉप लेके आओ और मैं टिकट का जुगाड़ करती हूँ। पैसे है हमारे पास? पैसे नहीं है पर जुगाड़ है। चलो चलो दादी को बुला ले, टिकट तो रेडी है। दादी आ जाओ। अरे हमें इतना रेडी क्यों कराया है और ये सेटअप मेटअप? अरे दादी जैसा हम कहे वैसा करना और देखना आपका मन खुश कर देंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। गोभी दा फूल, अपनी इंस्टाग्राम आईडी तो देते जा। ये वही है ना, ये बी ब्लॉक वाली। आइए बी ब्लॉक का ही पटाखा है। पता नहीं क्या कराया उन्हें हमें वो हरे पर्दे में। दादी दादी हो गया। दादी आपको स्विट्जरलैंड जाना था ना, ये लो आप पहुंच गए। हाय दैया, ना वीजा ना प्लेन, तुमने हमें ऐसे ही पहुंचा दिया स्विट्जरलैंड। हमारे तो हमेशा से मन था ऐसे पल्लू हिलाने का पहाड़ियों में, ये तुमने कैसे कियो? दादी एआई का कमाल है, अब अपनी आंखें बंद करो क्योंकि कमाल चीज आने वाली है। गोवा में हमारा बिकनी शूट, और तुम्हें कैसे पता हमें करना था? हमारी तो सीक्रेट था। दादी वो हमने आपकी ना संदूक खोलने की कोशिश की, पर ऐसे वैसे चोरी करने के लिए नहीं, बस देखना था कि आपकी पुश्तैनी चीजें कैसी होंगी। और फिर हम लोगों को आपकी नोटबुक मिली और फिर सोचा कि आपके सपने अब हम पूरे करेंगे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब आती आपकी तीसरी विश। हाँ आखिरी इच्छा थी कि खुल के जिए, पर समझ नहीं आ रहा कैसे जिए। जी सकते हो, आपको बस शादी करनी है। तुम्हारे दादू क्या समझेंगे? अरे दादाजी की छोड़ो, दादाजी मेरे सपने में आए थे और देखा था कि उनने तो ऊपर शादी कर ली है। अच्छा दादी फौज में, बुढ़ा मौज में, इसका मतलब तो हम भी कर सकते हैं। शादी? सासू माँ की शादी? अरे समाज थू थू करेगा हम पे, पोता पोती खिलाने की उम्र में कोई शादी करता है? अरे पूजा चाची ऐसा मत बोलो, अगर दादी की शादी हो गई तो फायदा तो हमारा ही है। सोचो नए दादा नई प्रॉपर्टी, और दादी ने तो खुद ही बोला है जो सेवा करेगा वो सम्मान पाएगा। अरे पर लोग क्या कहेंगे? आप ऐसे नहीं समझोगी, मम्मी के साथ समझाती हूँ। सबके सब मतलब ही हैं। दादी अब से मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों क्या, वो लड़की छेड़ दे मुझे गली में। बहाने मत बना, उस गली से तो मैं भी निकलती हूँ, मेरे को तो कोई नहीं छेड़ता। आप में बचा ही क्या है छेड़ने को, छेड़ तो मैं रही हूँ। अच्छा शांता देवी की पोती को छेड़ा, बंदूक निकालो हमारी। बिमल कहाँ ठूकूं? मेरे सर पे ठूक दे। ओ भाई मुझे एक लड़की है ना वो दादी के साथ में आ रही है। अरे ऐसी जग्गू भाई ने तेरी बहुत दादी देख रखी है। ओ भाई भाई गोली मार दी भाई। हाँ भाई अंधा नहीं हूँ भाई, ये तो अपनी साइड आ रही है भाई, मैं तो निकल रहा हूँ तू देख ले। तुम में से कौन है वो छोरा जिसने मेरी पोती को छेड़ा? एक कुकर्मी यही है, तो दीदी जैसी है ना दीदी।
हमारे खानदान में अगर कोई ऐसे हमारी किसी बेटी को छेड़ देता है तो सीधे गोली मार देते हैं। तो बताओ पहले कौन खाएगा गोली? दादी 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 अब कसम से हम कुछ नहीं करेंगे। दादी मर जाएगा। अगली बार से मेरे पोती के आसपास भी मत दिख जाइयो। चल निकल। चला थोड़ी धूप सेकवाती हूँ तेरे को। दादी आपने सच में गोली मार दी? अरे ये गोली भी नकली थी और वो लड़की भी नकली थी। सरिता उसे आराम से खिलाइए। नाइस डॉग। क्या हम आपके डॉगी के साथ खेल सकते? हाँ हाँ खेलो खेलो आप खेलो। कैन आई सिट हियर? हाँ हाँ बैठो। नाम क्या बताया? प्रीतम। कितनी अच्छी जोड़ी है ना? हाँ राम मिलाई जोड़ी एकदम। एज क्या होगी वैसे? एज में तो बहुत फर्क होगा। मैं नहीं मानता वैसे। वो आपने गजल सुनी है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो नंबर्स मेरे लिए मैटर नहीं करता, एज कुछ भी हो। हमारे लिए आपको देख के मेरे मन में शादी। चलो लेट्स गो, देखते हैं अब कहाँ मिलना होता है। बाय। चलो बेटा आ जाओ। दादी कौन थे वो? तेरा दादा। अनंत्या ने कहा था ना हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो मेरे को मेरा वर मिल गया है। पर थोड़ा यंग नहीं है? उसने ही कहा था। इट इज जस्ट अ नंबर। दादी चलो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नाम क्या बताया? प्रीतम। वाह क्या नाम है। प्रीतम प्रीतम शारदा शारदा प्रीतम। हाँ जी कौन है? मैं प्रीतम। ये मैं दादी को लेकर आता हूँ। वैसे भी बात उन्हीं से करनी थी। छड़ी नहीं लाई दादी? क्या करूंगी छड़ी लाके, सहारा तो हमारे सामने ही खड़ा है। दरअसल आप लोग थोड़ा मुझे पागल समझे शायद, मैं एक्चुअली शादी का रिश्ता लेके आया था। ये तो मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई थी। मम्मी इतनी सज के आई हुई है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ये लोग गार्डन में मिले थे, एक दूसरे से बात भी कर ली और पसंद भी कर लिया, तो रिश्ते के लिए आए हैं। जी अब मुझे लगता है, हो सकता है आप मुझे पागल समझे। पागल तो मैं हो रही हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है? दादी का रिश्ता आया है। दादी का? किससे? कैसे बताएं, हम प्रीतम हमें बहुत पसंद करता है और हमसे शादी करना चाहता है। क्या आप सबका दिमाग तो ठिकाने पे है? ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखा शादी करने का आइडिया भी इसने दिया था और अब तो टांग बढ़ा रही है। अरे अरे वो जानवर है। अच्छा समझ गई, मैं इसकी जान हूँ और ये मेरा वर है। अरे दादी अम्मा सटे आ गई हो क्या? प्रीतम उनके कुत्ते का नाम है। ये क्या बोल रही है? अरे हाँ वो सही कह रही है, मैं अपने प्रीतम डॉगी के लिए आपकी झुमरी डॉगी का रिश्ता लेके आया हूँ। ये गच्छा अंकल है, वो बी ब्लॉक में रहते हैं मेरे ट्यूशन के सामने, और ये इनका कुत्ता है। दादी की शादी के सारे अरमान ठंडे कर दिए। निकल एक बार और सोच लेते। एजेस जस्ट नंबर बढ़ाया। निकल चल प्रीतम आजा।
मम्मी वो बक्से का क्या हिसाब किताब रहेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा, दादी को शादी का पल नहीं मिला तो इनको इनकी सेवा का पल नहीं मिलेगा। जब तक मेरी शादी नहीं होगी कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी कलेशी दादी की तो शादी हो ही नहीं पाई, बट आपकी कौन से टाइप की दादी है वो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये फनी वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।